नमस्कार, ज्ञान न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अदिति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सेनौली में 3 बार उत्खनन कार्य करवाया जा चुका है और तीनों ही बार यहां से जो मिला वो इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि सारी दुनिया के पुरातत्व विदों इतिहासकारों की नजरें सेनौली पर टिकी हुई है। विश्व के समाधान पुरास्थल के रूप में विख्यात बागपत के सेनौली में 1-2 साल तक खुदाई हुई है। इसमें शाही ताबूत और 2 ताबूतों के साथ रथ, धनुष, बाण, ताम्र युक्त तलवार, युद्ध में पहना जाने वाला हेलमेट और आदि ऐसी दुर्लभ चीजें प्राप्त हुई हैं जो ताबूतों में रखे शवों के योद्धाओं के होने की ओर इशारा करते हैं। इन ताबूतों के साथ मिट्टी के बर्तनों में जले हुए कुछ अवशेष मिले थे। ये कितने पुराने हैं इसकी जांच के लिए ASI ने इनके 3 सैंपल लखनऊ स्थित बीरबल सहानी पुराविज्ञान संस्थान को भेजते हैं, जिसकी रिपोर्ट ASI के पास आ गई है, जिनमें अवशेषों के 3800 साल पुराने होने की पुष्टि की गई है। वर्ष 2005 में सिंगौली में वरिष्ठ पुरातत्व विद डॉक्टर DV शर्मा के निर्देशन में ASI द्वारा प्रथम चरण की खुदाई कराई गई थी। इस दौरान यहां पर 170 मानव कंकाल, सोने के कंगन, मन के तलवार के साथ साथ एक विशाल शवाधान केंद्र की पुष्टि भी हुई थी। इसके बाद 15 फरवरी 2008 को सिंगौली साइट पर ASI लाल किला संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजय मंजल के निर्देशन में उत्खनन कार्य शुरू किया गया। लगभग 3.5 महीने की अवधि तक यहां पर किए गए उत्खनन कार्य के दौरान 8 मानव कंकाल, 3 एंटीना शॉर्ड तलवारें, काफी संख्या में मृद भांड, विभिन्न दुर्लभ पत्थर और मनके और सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राप्ति के रूप में 5000 वर्ष प्राचीन मानव योद्धाओं के 3 ताबूत जो कि तांबे से सुसज्जित किए गए हैं। भारतीय योद्धाओं के 3 रथ भी प्राप्त इस दौरान किए गए हैं जो कि विश्व इतिहास की एक दुर्लभतम घटना को साबित करता है। पहले रोम के अंदर, चाइना के अंदर अलग अलग स्थानों पर मिले, लेकिन पहली बार सिंह